महाशाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर की बात करने वाली वीडियो सभी छात्र छात्राओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो, स्किप ना करें। आपको बता दूं कि महाशाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर द्वारा संबंध राज्य के अनुदानित स्वपोषित महाविद्यालय संस्थानों में बीएड, बीएफए, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी होनर्स बायोटेक्नोलॉजी और बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी होनर्स माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी पीएचई एंड स्पोर्ट्स, बीए, बीएड, बीएलएड, बीएड और बीपीएड पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र छात्राओं के परीक्षा फॉर्म भरे जाने की अंतिम तिथि दिनांक 16/5/2022 निर्धारित थी। संज्ञान में आया है कि काफ़ी छात्र संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने परीक्षा आवेदन फॉर्म भर दिया था किंतु किन्हीं कारणवश परीक्षा शुल्क जमा नहीं कर सके हैं। कुलपति महोदय का आदेशानुसार ऐसे छात्र जिन्होंने परीक्षा शुल्क जमा नहीं किया है वो अंतिम अवसर प्रदान करते हुए परीक्षा शुल्क जमा किए जाने हेतु दिनांक 23 एवं 24 मई 2022 निर्धारित की जाती है। अतः उक्त अभ्यर्थी इन दिवसों में विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.msuuniversity.ac.in पर दिए गए लिंक पर जाकर शुल्क जमा करें तथा महाविद्यालय से फॉर्म अग्रासित कराते हुए विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में दिनांक 25/5/2022 तक परीक्षा फॉर्म जमा किया जाना सुनिश्चित करें। उसके साथ ही दूसरे नोटिस के बारे में बात कर लेते हैं। विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में जारी सूचना पत्रांक संख्या इतने दिनांक 19/5/2022 के संबंध में इधर द्वारा समस्त संबंधित को सूचित किया जाता है कि उक्त सूचना पत्र में उल्लिखित पाठ्यक्रमों अतिरिक्त परास्नातक स्तर पर एमए एवं एमकॉम व्यक्तिगत वार्षिक प्रणाली के अंतर्गत परीक्षा हेतु आवेदन करने वाले छात्र छात्राओं जिन्होंने किसी कारणवश परीक्षा शुल्क जमा नहीं किया है ऐसे अभ्यर्थी भी दिनांक 23 व 24 मई तक अपना परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। उक्त अभ्यर्थी इन दिवसों में विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.msuuniversity.ac.in पर दिए गए लिंक पर जाकर शुल्क जमा करें तथा महाविद्यालय से फॉर्म अग्रासित कराते हुए विश्वविद्यालय से परीक्षा विभाग में दिनांक 25/5/2022 तक परीक्षा फॉर्म अवश्य जमा कराना सुनिश्चित करें। तो ये नोटिस यूजी और पीजी के छात्रों के लिए थे जो ऑनलाइन फॉर्म चले हुए थे, उनमें किसी ने अगर ऑनलाइन फॉर्म भर दिया और शुल्क जमा नहीं किया है तो छात्र छात्राएं उस शुल्क को जमा करा करके विश्वविद्यालय में जमा करा सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो चलेगी, लाइक करें, साथ में शुरू ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। तो मिलता है कोई लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।